नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल वनकम, कैसे आप सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, आज जो है ना, मैं सबसे पहले कहूंगी कि मैं एक सीन पर रिएक्ट करूं, लेकिन वो सीन है ओरिजिनल, मींस ओरिजिनल सेंस कि नो हिंदी डब और कनाडा लैंग्वेज में ही है, कैनेडियंस की लैंग्वेज में ही है। सो सीन है यश का एंड आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मिस्टर एंड मिसेस रामचरी कि इस जो कॉलेज फाइट सीन है उस पर रिएक्ट करें, तो मैंने सोचा कि उस पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना है और फिर हम सीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सीन देखने के बाद। अच्छा, सीन में मैं समझने की कोशिश करूँगी कि बोला क्या जा रहा है, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे साथ साथ बता दीजिएगा कि अच्छा क्या था। लेकिन मुझे ऑलमोस्ट सीन समझ आ जाता है, क्योंकि जब से मैं कर रही हूँ इतना तो मैंने जो है अपने अंदर तौर चेंज लिया है कि जब मैं वर्ड्स समझती हूँ तो मुझे समझ आ जाती है। लेट्स गो फॉर सीन एंड देन बात करेंगे सीन के बारे में। ಕಾಲ ಗಿಟ್ಟಿಕನ ಪಕಡ ಹೌದು ಬಾಸ್, ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಹುಡುಗಿಗ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು, ಇವಾಗ ನಮ್ ಹುಡುಗನ್ಗೊಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಮಕ್ಳನ್ನ ದೇವ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ನನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಮ್ ಮಾಡಿಯೋ ದಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ದಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆದರಿಸಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದು ಅಂದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡು ಅಂದ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಮ್ ಇರೋ ಹುಡುಗಿನೇ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು ಹುಲಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಏ ರಾಮಾಚಾರಿ, ರಾಮಾಚಾರಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಿರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಡ. ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ದುನಿಯಾ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋನ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸುನಾಮಿ ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲನೇ ಬರೋದು. ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹವಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹವಾ ಏನು ಅಂತ ನಿಂಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹವಾ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಂದೇ ಹವಾ. God.
लेकर उसको क्यों चले गए? एंड में मुझे समझ नहीं आया, पहले तो मैं एंड से स्टार्ट करूंगी, पुलिस वाले यश को क्यों लेकर चले गए? एक तो जो है स्टुपिड गुंडे फाइट करते हैं, लड़की को छेड़ते हैं, रैगिंग। अच्छा सीन देखा, मैंने आपसे कहा था ना अगर मैं लैंग्वेज समझने की कोशिश करूं तो मुझे बहुत हद तक सीन समझ आता है। आई एम सो अमेज्ड बाय द वे, मैं तो ऐसे ही बोला था और मैंने कहा ट्राई करती हूँ कि मुझे क्या वर्ड्स नो समझ आ। आप लोग तो सिखाते ही नहीं है मुझे अपनी लैंग्वेज। एनीवेज जैसे सीन स्टार्ट होता है, लड़की भागती है तो यश रामाचरी जो है बात कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज के बारे में। इतने में ना आसपास जो है वो सब चल रहे होते हैं लोग, तो वो लड़की भागते हुए कहती है मुझे बचाओ, तो वो कहते हैं दोस्त है, दम मारे दम इज समथिंग इस तरह से बात करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं दोस्त नहीं है, रैगिंग, कॉलेज की फर्स्ट डे से रैगिंग कर रहा है, फर्स्ट डे तो रैगिंग कर रहा है और किस करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहते हैं किस, तो वो आती है लड़की लाइक यू नो जैसे गुंडा आता है उसको धमकी देता है रामाचरण को। अच्छा मुझे बड़ा मजे का लगा जब वो धमकी देता है, कहते साइलेंट हो जा, वो नहीं चुचुंदर के मुँह वाले जो होते हैं गुंडे अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं। लेकिन खैर रामाचरण जो है उस लड़की को सेव करता है, मारता है गुंडों को सारों को। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सीन में, देखिए इस तरह के सीन जब होते हैं ना, मैं चाह रही थी कि जब जो है वो तराना, इंडियन जो तराना है वो जब बजा तो मैं भी चाह रही थी कि मैं खड़ी हूँ। एनीवेज तो वो लाइट का वो था, लेकिन रिस्पेक्ट दिल में सबके लिए होती है, सब मज़हब के लिए रिस्पेक्ट है, सब मुल्कों के लिए रिस्पेक्ट है। अक्सर मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, आप लोग कहते हैं कि बॉर्डर पे जो है ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप लोग रिएक्ट करते हैं हमारी मूवीज़ में, हमें अच्छा लगता है। तो गाइज दिलों में हमारे जो है ना ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग भी हमारे नेबर्स हैं और नेबर्स होने के नाते हमारे कुछ फ़राइज़ वो कहते हैं ना पड़ोसियों के बड़े हकूक है तो है, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर तरह से। अच्छा पूरा तराना चल रहा था, मुझे नहीं पता था कि इसमें होगा, एंड जैसे वो तराना ख़त्म होता है वो गुंडे और रामाचरण जो है फिर अगेन तैयार हो जाते हैं। अच्छा वो जब तराना होता है तो उसकी यश की ना आंखें बड़ी मज़े से घूम रही होती है कि अच्छा कौन कहाँ खड़ा है, मैं किसको कैसे मार सकता हूँ, प्रॉपर जो उसमें वो फाइट का जो है अपने माइंड में सोच लेता है। तो ये डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा शूट किया है एनीवेज। एंड बट यार एंड में मुझे बड़ा बुरा लगा है कि जो पुलिस वाले उसको ले गए। खैर तो ये सीन था और मैंने इस पर रिएक्शन दिया सीन के हिसाब से, और आप लोगों का आई होप कि सीन पसंद आया, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो दैट्स वाई। एनीवेज गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप एक नेक्स्ट सीन में मिलेंगे एक नए तरीके से। नए तरीके का मतलब होता है जब अक्सर मैं बोलती हूँ ना कि नई वीडियो होगी तो हम फिर नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ बात करेंगे। सो गाइज आई लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।